but there was a hope, like guys, so finally we are in. So hello everyone, good morning. आज है सैटरडे 13th ऑफ मई. एक गुड न्यूज़ है जो कि आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल. फाइनली आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ लद्दाख. सो ऑन मंडे वी आर गोना लीव फ्रॉम योर. सो लाइक दे एक्चुअली ग्रुप पहले ही जा रहा था, मेरा कन्फर्म नहीं था, बट नाउ आई एम कन्फर्म कि हाँ मैं जा रहा हूँ. सो आई एम सो एक्साइटेड, लाइक सुपर एक्साइटेड. तो बस कुछ शॉपिंग है थोड़ी बहुत करनी है, बाइक सर्विसिंग के लिए रखना है, और थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा मैं भी. सो फर्स्ट डे से ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा अभी फिर से. देन एवरी डे आई विल बी पुटिंग अ न्यू ब्लॉग इन द इवनिंग. सो प्लीज़ डू वॉच एंड शेयर इट एंड बी विथ मी. थैंक यू सो मच. चलो मिलते हैं डायरेक्टली. आई बाय. सो हेलो वंस अगेन, फिर से आ गए अपनी मोटो ब्लॉक पे. गणपतिप्पा मोरिया. ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, KTM सर्विस सेंटर जो कि है वागोली में, और रमेश ऑलरेडी वहाँ पे है रोड में, मुझे मिल जाएगा. उसका कुछ काम था, एक मीटिंग था, तो मैंने बोला मीटिंग ख़त्म होने के बाद कॉल करना. सो ही जस्ट कॉल मी. सो नाउ आई एम गोइंग, हम दोनों जाएंगे सर्विस सेंटर. मेरी बाइक, मैं अपनी बाइक दूंगा सर्विसिंग के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डेकैथलॉन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप. एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरी ये ट्रिप जो है 99% कैंसिल था. अब रीज़न मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये ट्रिप 99% कैंसिल था, बट देर वॉज अ होप, लाइक 1% होप था मेरे मुझे कि ट्रिप को जा सकता हूँ. सो फाइनली आई एम गोइंग. अभी बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड कि मैं मंडे को यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं. सो अराउंड 10 राइडर्स वी आर. सो कुछ राइडर्स जो है वो है हैदराबाद से, और पुणे से मैं और रमेश ही है. एक फ्रेंड था पैडी, तो उसका एक्चुअली कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ बैक पेन. वो R15 चलाता था, तो अभी उसका भी कंफर्म था आने का, लाइक वो भी आ रहा था, बट सडनली उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा बिकॉज उसकी बैक पेन के लिए. तो डॉक्टर ने बोला कि इट्स नॉट माइनर, ये थोड़ा सीरियस है, अगर आप और राइड करते रहोगे कंटिन्यू तो मे बी आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी साथ. सो दिव्यांश भी था, उसका एग्ज़ाम है, उसका भी कंफर्म था आना, उसकी भी एग्ज़ाम है. सो हम लोग यहाँ से अराउंड चार से पाँच राइडर्स थे, बट फिलहाल मैं और रमेश ही हैं. मेरे बाइक की सर्विसिंग लास्ट मंथ के एंड में ही थी, बट मैंने थोड़ा डिले किया क्योंकि मैंने सोचा कि राइड को जाने से पहले मैं सर्विस करवा लूँगा. सो इसमें अभी थोड़े बहुत काम है बाइक में, जैसे कि ये हेड का थोड़ा आवाज़ आ रहा है, उसके बाद में ब्रेक पैड चेंज करवाने हैं. ओके, जस्ट हैड जूस. अभी यहाँ से सर्विस सेंटर है यहीं पे. ओके, तो फाइनली पहुँच गया हूँ सर्विस सेंटर. भाई धूप में ही लगाना पड़ रहा है वहाँ. गाइस, फाइनली वी आर इन डेकैथलॉन राइट नाउ. अभी यहाँ से क्या लेना है देखना है. ये आइक ना, तो इनर टेबल था आटो दे, तो आर तो ना का दे कॉर्पोरेट टैकल था. इधर उधर कलर्स होगा ना. हाँ कार्ड ला उठता तो इधर टेबल था, तो ही इनर रिचर्ड ना. हाँ वार्मर, तो एक वार्मर आड़ू पे. हाँ एक्सेल ना.
Warmers. Okay. Okay, so hello everyone, good afternoon. अभी टाइम हुआ है 2:38. ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ. आज है संडे. जस्ट अभी मैं बाइक लेके आया हूँ सर्विसिंग से, तो उसके साथ मैं अपना सैडल स्टे भी लेके आया हूँ. आई थिंक कार्बन फाइव का सैडल स्टे है. सो अभी जस्ट मैं वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो जस्ट फ्रेश होता हूँ और फिर आपको मिलते हैं डायरेक्टली बाइक के वहाँ पे. अभी मैं जस्ट सैडल्स पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने जस्ट यूट्यूब से देखा कैसे करते हैं, सो आई जस्ट ट्राई कैसे करना है कैसे नहीं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस एडवेंचर और यहाँ पे लिखा है प्राउडली मेड इन इंडिया. फाइनली ये दो निकाल दिए मैंने. नेक्स्ट अभी मैं क्या करना है मैं यूट्यूब पे देखूंगा और करूंगा. मैं अभी पहला प्लान बैठाने जा रहा हूँ. ओके, सो फाइनली एक सैडल स्टे लगा के हो गया मेरा. अगर मैं सही से लगाया या नहीं और किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि सही लगा है या नहीं. एक, दो और ये तीन, ये तीन ही जगह पे उसको सपोर्ट है. आई होप ठीक लगा है. बिठा दे मैंने इसको उल्टा बैठा दिया. एक्चुअली ये वाला अपोजिट में तो यहाँ नीचे आता है, ये वाला क्लैंप जो दिख रहा है और ये वाला क्लैंप भी, तो मैं इसको तो मैं घुमा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे है दो बोल्ट्स है तो इसको नहीं घुमा सकता हूँ. इसको मुझे अभी निकाल के उल्टा करना पड़ेगा. ओके, सो हेलो एवरीवन वंस अगेन. तो अभी जस्ट मैंने दोनों सैडल स्टे देखे, इट्स परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लग गया. अभी कैन सी दिस, एकदम परफेक्ट लग गए हैं और ओवरऑल लुक देखो कैसे आ रहा है. एक सिनेमैटिक निकालता हूँ. एक I hope you've seen this cinematic. I hope you'll like this. So now, after this, I'll be going to apply some lights there. So chalo, abhi yahan se main chalta hu. So chalo, milte hain next. Thodi der ke baad. Bye.